जिसे सुशील मोदी भी आए थे, तेजस्वी भी आया था, रामनाथ ठाकुर भी आए थे। मन में थी जिसको हम सार्वजनिक रूप से कहना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी, लालू जी, हम लोग 74 आंदोलन के पहले ही समाजवादी धारा से जुड़ चुके थे। नीतीश पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, लालू जी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, उसके पहले जो है महासचिव थे, तो एक ही धारा से हम लोग निकले। और सबके सब का दावा है कि साहब सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता हमारा मूल आधार है, हमारे राजनीति का प्राण है। बावजूद इसके कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारी छवि जो है वो सेकुलर बनी रहे और प्रो सोशल जस्टिस बनी रहे, ये उनकी छवि रही है। लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई, और आप देखिएगा कि नीतीश जी गांधी का जितना नाम लेते हैं, भारतीय राजनीति में कोई राजनेता गांधी का इतना नाम नहीं लेता है। अब पिछले 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती मनी, ये पहली दफा ऐसा हुआ और बहुत पीड़ादायक हुआ कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का, मैंने 2 लाख से अधिक ट्विटर पर नारा जो है चला, 2 लाख से अधिक नारा चला, नीतीश जी मौन रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, उस दिन सुबह बहुत श्रद्धापूर्वक उन्होंने गांधी जी का जो स्मारक है उस पर मैंने सर झुकाया उन्होंने, लेकिन दिन भर जो ये टूट चला नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी मामले में, मालेगांव वाले आतंकवादी मामले में एक्यूज्ड हैं, ट्रायल चल रहा है, अभी भी ट्रायल चल रहा है, और उन्होंने एक बार कह दिया कि नाथूराम गोडसे जो है देशभक्त है, और हमारे मोदी जी का बयान आया था कि इनको हम दिल से कभी माफ नहीं करेंगे।